अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बादशाही। बादशाही बनाने के लिए हमें क्या क्या लगेगा, चलिए देखते हैं। हमें बादशाही के लिए हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम बनाने वाले हैं बादशाही। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2 कटोरी, 1 कटोरी शक्कर है, इस कटोरी के हिसाब से 2 कटोरी मैदा लिया है। हमने लिया है घी, नमक, इलायची, पानी। तो अब हम सबसे पहले शीरा बना लेंगे। तो अभी मैं शीरे के लिए भगोना रख ली हूँ। अब इसके लिए घी 1 कटोरी पानी डाल दूंगी। तो अब मैं शक्कर डाल दूंगी। सेम इसी कटोरी के हिसाब से मैंने शक्कर और पानी भी इसी कटोरी के हिसाब से ले लिया। शीरे को अच्छे से हम डालेंगे। हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं चाहिए शीरा। अब हम इलायची डाल देंगे। 3 इलायची डाल दी हमें। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दूंगी मैं। सारा घी डाल दूंगी। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लें। 1 चुटकी नमक डाल देंगे। हमें आटा सख्त नहीं भिगाना है, सिर्फ मिक्स कर लेना है, एक जगह बनाना है आटे को। अब हम इसे पानी डालकर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हल्के हाथों से सिर्फ मिक्स कर लेना है इसे, हमें ज्यादा सख्ती से नहीं भिगाना है। जिस तरह हम रोटी का आटा भिगाते हैं उस तरह नहीं भिगाना है हमें, हल्के हाथों से भिगाना है इसे। तो अब हमारा आटा अच्छे से मिक्स हो गया, जो किस तरह से पर्दे पर्दे जैसा हो गया है ना, अच्छे से भीग गया हमारा आटा। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। हमारा शीरा बिल्कुल रेडी है, देखिए। हम आधे से भी कम, बिल्कुल कम नींबू इसमें डालेंगे, 4 से 5 कतरे डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारे बादशाही बिल्कुल मुलायम अच्छे बनेंगे। ऊपर से तो क्रिस्पी रहेंगे लेकिन अंदर से अच्छे से मुलायम रहेंगे और ऊपर शक्कर नहीं जमेगी। अभी मैं चूल्हे पे कढ़ाई रख दी। अब इसमें तेल डाल लूँगी। तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। अभी हमारे 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। ये हम चेक कर लेंगे, हमारा आटा एकदम से सेट हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा आटा। इसमें बादशाही बहुत ही बेहतरीन बनने वाली है। चलिए हम आटा लेते हैं इतना सा। इसे गोल गोल कर ले अच्छे से। देखिए इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। देखिए सारे हम इसी तरीके से बना लेंगे। देखिए हमारे बादशाही बिल्कुल बनकर रेडी है। अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। देखिए अभी इसे हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा हम इसमें फूड कलर शीरे में डाल लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा ऑयल बिल्कुल गर्म है,
तो अब हम इसमें डाल लेंगे। हमें फ्लेम ज़्यादा नहीं रखना है, स्लो फ्लेम पे ही इसे बनने देना है। देखिए अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है इसमें, हमें इसे ये सिंक पर बनाना चाहिए इसे। तो हमारे बादशाही बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, ऊपर से अंदर से मुलायम रहेंगे। देखिए हमारे बादशाही अच्छे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इसमें से निकाल कर डायरेक्ट शीरे में छोड़ देंगे। इसमें डाल लेंगे दोबारा, जो हमारे बाकी रह गए हैं हम उसे भी फ्राई कर लेंगे। हमारे बादशाही ये भी बिल्कुल तैयार है। इससे पहले हम जो चाशनी में डाल दिए थे हम वो निकाल लेंगे बादशाही को। देखिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं ये, अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे, चाशनी में से बाहर निकाल कर ट्रे में निकाल लेंगे। बादशाही बिल्कुल रेडी है, अभी हम इसे चेक करके बताएंगे आप लोगों को। देखिए इसके कितने अच्छे से लहर वगैरह बने हैं, देखिए ये कितना अच्छा है, ये अंदर से एकदम से जूसी जूसी बन गया है ये। देखिए ये मैं आप लोगों को दूसरा भी तोड़कर दिखाऊंगी। देखिए कितना अच्छा बना है हमारा बादशाही। तो आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट कीजिए कि हमारे बादशाही किस तरह बने हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।